नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है और यही वजह है कि सरकार विनिवेश पर काफी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत सर। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से आप कहते हैं कि गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं है बिजनेस में रहना, और इसीलिए फोकस भी है नीति आयोग का विनिवेश के ऊपर, तो उस पर किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा कि हम सबसे जो अभी का मुद्दा है कि एयर इंडिया का, तो वहाँ उसमें कितनी आगे पहुँची? देखिए, गवर्नमेंट का मुद्दा है कि गवर्नमेंट का लक्ष्य होना चाहिए कि हेल्थ एजुकेशन न्यूट्रिशन में इंडिया सबसे आगे बढ़े। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 पोजीशन पर हैं, उनमें हमें आगे बढ़ना है, उसमें हम आगे जाएं। गवर्नमेंट का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि बिजनेस करे, गवर्नमेंट फैसिलिटेटर होना चाहिए, पर गवर्नमेंट बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए, गवर्नमेंट को बिजनेस से हटना चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। हमारा काम होना चाहिए कि हम हेल्थ में नंबर वन हो, हम एजुकेशन में नंबर वन हो, वो हमारा लक्ष्य है। गवर्नमेंट की फिलॉसफी है कि गवर्नमेंट बिजनेसेस से हटे, इसलिए नीति आयोग ने बहुत सारी कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट रिकमेंड किया। वो आगे चल के दीपम मिनिस्ट्री सारा डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है और काफ़ी जगह ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स वगैरह अपॉइंट कर दिए हैं और स्पीड अप हो रहा है। तो ऐसा कैसा एयर इंडिया में भी हो रहा है? बिल्कुल, एयर इंडिया में हो रहा है। गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है फाइनेंस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में कि कैसे इसको ले जाना है आगे। नीति आयोग के रिकमेंडेशन के बेसिस पे वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने हैं, फाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरमैन हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं और अपने डिसीजंस लेंगे और एयर इंडिया में भी आगे बढ़ेंगे। सर, और ये जो बैंकों के पीएसयू बैंकों के जो कंसोलिडेशन की बात हो रही है, तो इसमें कई तरह की खबरें आ रही है कि नीति आयोग को एक प्रेजेंटेशन भी दिए गए हैं बैंकों की तरफ से, और उस पर अब नीति आयोग फैसला लेगा कि किस कौन कौन सी बैंकें हैं उनका कंसोलिडेशन होगा नहीं होगा, तो इस पर मतलब क्या अपडेट है? ये अभी चर्चा के स्टेज पर, इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ अभी, किसी भी तरह का नहीं हुआ। और सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है देश का काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो इसमें मतलब किस तरह से और इंश्योरेंस सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सकता है? बहुत स्कोप है, हमारा इंडिया बहुत अभी अंडर इंश्योर्ड कंट्री है, इसका बहुत पोटेंशियल है, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जैसे कंपनियों का, और ये कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं जिसके साथ कंपटीशन चल रहा है, तो कंपटीशन से इम्प्रूवमेंट होगा, और जैसे जैसे हम इंश्योरेंस में इम्प्रूव करेंगे हमारे पास ज़्यादा फंडिंग होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए स्कीम्स आएंगी और ज़्यादा इंश्योरेंस बढ़ेगा। सर, आखिरी सवाल होगा सर, आप जिस तरह से जनक हैं, मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, स्टार्टअप इंडिया की बात कर लीजिए, तो उसमें हमने देखने को यह आया है कि सर्विस सेक्टर के अंदर तो विदेशी निवेश काफ़ी ज़्यादा आ रहा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इतना नहीं आ रहा, तो उसको किस तरह से बूस्टअप कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत आया है, 40% करीब मैन्युफैक्चरिंग में आया है। ये मत सोचिए कि मैन्युफैक्चरिंग हर सेक्टर में आया, हर जगह आया, FDI आया है, पर ज़रूरी यह है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट शुरू करे। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की कंडीशंस को हम इम्प्रूव करें और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। सर, तो आप कॉन्फिडेंट है कि आगे भी ये जो विदेशी निवेश है ये बढ़ेगा? वो बढ़ेगा, हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। जी सर, हमसे बात